समाचार क्या बने और कैसे था। शाम को ब्लॉग एंड किया था और अभी ब्लॉग स्टार्ट करें, पर हम जा रहे हैं मूवी देखने के। और अभी तक मुझे पता नहीं था कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। कौन सी देखने जा रहे हैं? किसी का भाई किसी की जान। आप भी ऐसे हो, किसी का भाई किसी की जान? हाँ, 100%। तो मैं खाते खाते जा रही हूँ चिप्स, थोड़ा सा भूख था तो चाय बनाई और नहा के रेडी होके बस निकल ही गए। शाम के बज रहे पौने सात, जा रहे हैं मूवी देखने। कब तक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे? सॉरी, मुझे ऐसे कि पौने सात बजे के खा लेती हूँ, फिनिश कर लेती हूँ, अब जल्दी पहुँच जाएंगे। अब कैसी थी पिज्जा? Not किसी का भाई किसी की जान। आप क्या हैं? किसी की जान और किसी का भाई? ये मैं दोनों, ये और ये दोनों। और ये तो अपने भाई जान के। बस मूवी देखने अब जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि सब्जी लेनी है। घर के काम तो हम भूल नहीं सकते। चोट लग रहा? इधर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मुंद्रा नहीं। हाँ, पता नहीं किसी और एरिया में आ गए हैं ऐसा लगता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो ये मुंद्रा ही है। तो बस अब मार्केट में जाते हैं, थोड़ी सी सब्जी वब्जी लेनी है क्योंकि कल टिफिन बनाना है। तो फिर देखते हैं क्या सब्जी लेते हैं, और खाना तो पता नहीं क्या खाएंगे। और जाके मुझे सिलाई करनी है, तो जल्दी से बाहर के काम निपटा लें, फिर मैं घर पर जाके सिलाई करूँगी। तो सब्जी मैंने ले ली और बकाला। हाँ, इतनी महंगी है सब्जी, इतनी महंगी है सब्जी। सब्जी तेरा ये दो गाजर अमीर कितने के? 30 रुपए के। वो इतने छोटा हो रहा है तेरे सर्दी हुई है, क्या करूँ? ऐसे करते हैं घर पे, मैं खिचड़ी बनाती हूँ, मिर्च पकाते हैं, पापड़ को तलते हैं और खा लेते हैं, बाहर खाएंगे। अनिल को बाहर खाना है। मैं अकेले के लिए बनाऊं फिर? देखो, इनकी वजह से ही मैं मोटी हो रही हूँ, इनकी वजह से ही मैं मोटी हो रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो खा लेते हैं। हम अपने ठिकाने पे जा रहे हैं खाने के लिए। क्या लेके चलोगे? कुछ लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन सेहत भी देखनी पड़ती है ना। मैं बीमार हूँ, मेरे खाने से पहले दवाई है तो वो स्किप हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि हम बाहर खाएंगे? पता ही है, गए इस टाइम पे तो क्या 7 बजे मूवी देखने गए थे, तो इस टाइम पे तो हम घर पे चलते हैं, तो भी हम खाना बना सकते हैं। कोई बात नहीं, अब चलो बना ना के आप खाएंगे। बना लेना, मैं पार्सल दे दूँ। नहीं, मैं आज चल रही हूँ। नहीं, मैं चल रही हूँ। एक सूप पिला दो बढ़िया वाला, सर्दी निकल जाए। गाइस, आप देख सकते हो? क्या देख सकते? तू कुल्फी खा रही है। सर्दी हो या कुछ भी हो, लेकिन आइसक्रीम तो खानी चाहिए। आइसक्रीम से कुछ नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा टॉन्सन होता है, सर्दी होती है, बीमार होते हैं और गोली खानी पड़ती है। वैसे भी मैं गोली खा ही रही हूँ, आवाज मेरा बैठा हुआ है, नाक मेरा ऐसे बह रहा है, सुबह बुखार आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे कुल्फी खानी है। और अनिल मुझे कुछ भी नहीं बोला, ये मत खा, बीमार है। क्या करे, वापस वही सुन रहा है, सुबह खाओ, मेरे को बुखार आ गया, तो भले ना खाया, एक दिन तो जाना ही है, तो मौज मची करके मारो। कुछ नहीं होता, इतनी सी कुल्फी से क्या होगा, गर्म पानी पी लूंगी रात को, कुछ नहीं होता। बस हमने खाना खा लिया और जा रहे हैं घर पे, और फिर मैं करूँगी सिलाई और फिर मैं आपको मिलूंगी सुबह। हेलो जी, आज ब्लॉग का दूसरा दिन है, और सच बोलूँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक तो मेरी तबीयत तो चलो ठीक ठाक है, और काम भी मैं कर रही थी नहीं कर रही थी, लेकिन ऊपर से मेरा चैनल तो इतनी परेशान हो गई हूँ मैं कि पूछो मत। इतना कुछ सर्च कर लिया, इतना कुछ कर लिया, क्योंकि आधार कार्ड का काम अभी तक मेरा प्रोसेसिंग में, अगर प्रोसेसिंग में नहीं होता तो मैं दूसरी जगह से कर लेती, लेकिन हो ही नहीं रहा।
और एडसेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दो चार जन को मैंने पूछा तो वही जवाब था कि जब आएगा पिन तब आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी होगी, अभी कुछ नहीं करना होगा, ये होगा वो होगा। हर किसी की अलग राय है, सही से कोई बताता नहीं और हम मुझे भी सही से कुछ पता नहीं। तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं कि कुछ सूझ ही नहीं रहा। मेरे काम भी पड़े लेकिन ऐसे मन नहीं हो रहा कि मैं काम करूं। मैंने सोचा कि चलो चाय बना के पी लूं, और दोपहर को भी ऐसे हो रहा था, बुखार आ गया था क्योंकि यहाँ पे सुबह हुई थी बारिश, फिर दोपहर को इतना धूप, इतनी धूप निकली ना, तो ऐसे मौसम हो जाता है ना तो मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब हो जाती है। और काम के चक्कर में जो इतना मैं जगी हूँ, रात भर सिलाई कर कर के मैं जगी हूँ ना, तो वो थकान अब लग रही है मुझे। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है, तो सुबह से मैंने कोई ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया और मूड भी ऐसा अपसेट सा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं शाम 5 बजे से लेके 7 बजे तक बस यही सर्चिंग में हूँ। कल मुझे मेल आया था, मैंने अनिल को दिखाया भी, बोला भी, तो अनिल ने इग्नोर कर दिया। उन्होंने इतना ज़रूरी नहीं समझा और इग्नोर कर दिया, और मुझे पता था कि वो ज़रूरी है लेकिन मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती क्योंकि मेरा आधार कार्ड है ही नहीं, तो इसलिए फिर मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर अनिल को बोला भी कि आपके नाम पे हम एडसेंस बनाते हैं और ज्वाइंट कर देते हैं, लेकिन अनिल ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो फिर आज भी मेरी उनसे बहस हो गई इस बात पर क्योंकि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। आज भी मैं बीमार हूँ फिर भी मैंने ब्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, ताकि मैं क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। फिर मैंने छोड़ दिया, चलो उनके उसके बाद मैंने अनिल को कॉल भी नहीं किया है। मेरा और अनिल का थोड़ा सा बहस भी हो गया इस चक्कर में, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम है जो मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, इसलिए मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्या होगा कुछ भी नहीं पता मुझे, इतनी मेहनत करने के बाद मेरे हाथ खाली के खाली है। क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकती अब तो। मेहनत करना तो नहीं छोड़ूंगी, हार तो नहीं मानूंगी, लेकिन जो होगा सो देखा जाएगा। और क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कितने जनों को पूछने की कोशिश की लेकिन मुझे सही कोई बता नहीं रहा, या सही मैं कर नहीं रही, मुझे नहीं पता। तो मैं अब चाय बनाती हूँ और थोड़ा सा मूड ठीक करती हूँ। हालत ख़राब हो गई है, एक तो बीमार थी और ऊपर से ये टेंशन हो गया मुझे, अब क्या होगा। बस आप सब प्रे करना कि जो हो अच्छा हो, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसा कुछ होता है तो, और हम और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं ऐसे ऐसी चीज़ों से लड़ते हैं। तो क्या होगा, जो भी होगा सो होगा। सैड तो हूँ, परेशान तो हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है हर बार इतने पास आके चीज़ मेरे से ऐसे छिन जाती है ना कि पल भर ऐसे चुटकी में ना सारे सपने ना बिखर के ढेर हो जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, और इस बार भी इस चीज़ में भी ऐसा ही हुआ। मुझे लगा यूट्यूब से तो कुछ अच्छा मिलेगा और कुछ अच्छा कर पाऊँगी, लेकिन इसमें भी मुझे लगता है यही है। लेकिन मुझे हारना नहीं, अगर ये चैनल मेरा डीमोनेटाइज हो गया तो मैं दूसरा बना लूँगी और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा आगे जाऊँगी, और मुझे पता है आप सब मुझे उस चैनल पे भी सपोर्ट करोगे। तो हार तो नहीं मानूँगी लेकिन देखती हूँ क्या होता है। आप सब प्रे करना कि सब अच्छे से मेरा चैनल फिर से अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सच में बहुत बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है, लेकिन पता नहीं अब क्या होगा। जो होगा सो होगा, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होगा। तो चलो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और स्टार्टिंग में तो इतनी हैप्पी थी व्लॉग में, और लास्ट में देखो कैसा है। अब कुछ मुझे सूझ भी नहीं रहा, क्या करूँ मैं। चलो बाय, जो होगा सो देखा जाएगा।